हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ओरिजिनल सिन के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वॉचर की मौत हो जाने के बाद कैप्टन अमेरिका अपने साथियों के साथ मिलकर उसके कातिल को पकड़ने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। लेकिन इधर एक रहस्यमय शख्स अपनी तीन टीम बनाकर एक अलग इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा था, जिसमें से एक टीम को वो अर्थ के कोर में भेजता है, दूसरी टीम को एक अलग डायमेंशन में और तीसरी टीम को वो स्पेस में भेजता है। जिनमें से दो टीम्स को वहां पर कई सारी लाशें मिलती हैं और उनमें से उन्हें वही गामा बुलेट्स मिलती हैं जो उन्हें वॉचर की लाश में से मिली थी। और इधर एवेंजर्स ने मिलकर अपने मेन अपराधी को ढूंढ लिया था, लेकिन उसके बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद वो वॉचर की आई को उन सबके सामने निकालकर उसे ब्लास्ट कर देता है। अब आगे हमारी कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर से होती है, जहां पर मिस्टर ऑब नाम के विलन ने वॉचर की आई को सारे के सारे एवेंजर्स के सामने निकालकर उसे ब्लास्ट कर दिया था। लेकिन इस ब्लास्ट की वजह से उनमें से किसी को भी फिजिकल डैमेज नहीं बल्कि मेंटल डैमेज हुआ था। मिस्टर ऑब के किए हुए ब्लास्ट की वजह से उस जगह में मौजूद सारे के सारे लोगों को अपनी लाइफ के बारे में जो भी सीक्रेट्स थे वो सब पता चल चुके थे। जैसे स्पाइडरमैन को ये चीज पता चलती है कि जिस रेडियोएक्टिव स्पाइडर ने उसे काटा था, उसी स्पाइडर ने किसी और शख्स को भी काटा था। हल्क को ये चीज पता चलती है कि उसके हल्क बनने का कारण दरअसल में टोनी स्टार्क था। इसके अलावा वहां पर मौजूद थॉर को ये चीज पता चलती है कि उसकी एक बहन भी है। और ठीक इसी तरह वहां पर मौजूद कई सारे सुपर हीरोज को अपने सीक्रेट्स पता चल जाते हैं और वो सब के सब इसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां से चले जाते हैं। लेकिन वहीं पर मौजूद निक फ्यूरी मिस्टर ऑब को अरेस्ट कर लेता है। वो उससे कहता है कि जो भी उसने वॉचर के साथ किया था उसे उसकी सजा मिलने वाली है। लेकिन तब मिस्टर ऑब निक फ्यूरी को बताता है कि वॉचर को उसने नहीं मारा है, बल्कि वो तो खुद ही उस इंसान को ढूंढ रहा था जिसने वॉचर की जान ली थी। इधर अर्थ के कोर में ब्लैक पैंथर, एमा फ्रॉस्ट और एंट मैन को उन लाशों से भी वही गामा रेडिएटेड बुलेट्स मिलती हैं। और तब ब्लैक पैंथर उनसे कहता है कि उन सारे मॉन्स्टर्स की मौत के लिए दरअसल में वही शख्स जिम्मेदार था जिसने वॉचर को मारा था। और इसका मतलब सिर्फ यही था कि वॉचर ने उस शख्स को इन मॉन्स्टर्स को मारते हुए देख लिया था और वॉचर इस बात को जानता था कि वो शख्स कौन है, और इसी वजह से उस इंसान ने वॉचर की जान ले ली। एमा फ्रॉस्ट उससे पूछती है कि क्या वॉचर सब कुछ देख सकता था, जिसके जवाब में ब्लैक पैंथर उसे बताता है कि वॉचर अनसीन को भी देख सकता था। इधर दूसरे डायमेंशन में डॉक्टर स्ट्रेंज और पनिशर मिलकर उस मॉन्स्टर की लाश को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जिसे देखने के बाद पनिशर डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि उस मॉन्स्टर को मारने वाली गोली दरअसल में काफी दूर से चली थी और ये काम कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता था। और पनिशर के हिसाब से इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ 10 ही ऐसे लोग थे जो इतनी दूर से किसी को गोली मार सकते थे, और उन 10 में से पनिशर खुद एक था। और पनिशर की बात सुनने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहता है कि वो ये चीज जानना चाहता है कि वो 10 लोग दरअसल में कौन थे। लेकिन इधर स्पेस में मौजूद तीसरी टीम की कहानी कुछ और थी। बकी, मून नाइट और गमोरा को काफी देर तक स्पेस में घूमने के बाद भी कुछ मिल नहीं रहा था, और वो लोग इस चीज को सोचने लगे थे कि वॉचर को मारने वाला दरअसल में स्पेस में नहीं था। वो लोग वापस जाने की बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक उनका प्लेन किसी चीज से टकराता है। गमोरा कहती है कि शायद वो बड़े बड़े मीटोराइट्स होंगे, लेकिन बकी उनसे कहता है कि वो चीज दरअसल में बुलेट की शेल केसिंग्स थी। इधर एवेंजर्स टॉवर में मिस्टर ऑब को पकड़ने के बाद हल्क और वुल्वरीन उससे सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मिस्टर ऑब उनसे कहता है कि वो सिर्फ एक ही इंसान से बात करेगा और उसका नाम निक फ्यूरी था। इधर निक फ्यूरी अपने मॉनिटर पे बैठकर ये सब कुछ देख रहा था कि तभी उसके पास कैप्टन अमेरिका का कॉल आता है, जो उसे ये चीज बताता है कि वो लोग माइंडलेस वंस को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे और इसी वजह से अब उनके पास और कोई भी लीड नहीं बची थी। वो निक फ्यूरी से पूछता है कि बाकी के सुपर हीरोज आखिर कहां पर हैं, और निक फ्यूरी उसे बताता है कि वॉचर की आई की वजह से उन सारे सुपर हीरोज को अपने सीक्रेट्स पता चल चुके थे और वो सब के सब उन्हीं चीज को इन्वेस्टिगेट करने गए थे। वो कैप्टन अमेरिका को बताता है कि वॉचर की आई दरअसल में एक हार्ड ड्राइव की तरह थी और वॉचर जो कुछ भी देखता था वो सब कुछ उसमें स्टोर हो जाता था। और ये कहने के बाद वो कैप्टन अमेरिका से पूछता है कि आखिरकार उस आई ने कैप्टन को कौन सा सीक्रेट बताया। लेकिन स्टीव रॉजर्स उसकी बात को इग्नोर करके उससे ये कहता है कि इस वक्त ये उन लोगों का मिशन नहीं था, और ये बोलने के बाद वो उसका कॉल कट कर देता है। लेकिन निक फ्यूरी उस आई को अपने हाथ में लेकर ये सोचने लगता है कि
कि उन सारे के सारे सुपर हीरोज में कैप्टन अमेरिका एक ऐसा शख्स था जिसके पास कोई भी सीक्रेट्स नहीं थे, लेकिन इसके बाद भी वॉचर की आई ने उसे कुछ तो बताया ही था। लेकिन उन सब में निक फ्यूरी एक ऐसा शख्स था जिसके पास सबसे ज्यादा सीक्रेट्स थे, और सबसे हैरानी की बात यह थी कि वॉचर की आई ने निक फ्यूरी को कुछ भी नहीं बताया, और इसी चीज को लेकर निक फ्यूरी काफी समय से बहुत परेशान था। इधर स्पेस में बकी, गमोरा और मून नाइट उन बुलेट केसिंग्स को फॉलो करते हुए एक खाली प्लैनेट पे पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद उन्हें जमीन में कई सारे बुलेट होल्स मिलते हैं। उस प्लैनेट को काफी देर तक एग्जामिन करने के बाद उन तीनों को सिर्फ यही चीज समझ में आती है कि उस प्लैनेट पर दरअसल में कोई नहीं रहता था, क्योंकि वहां पर ना ही कोई घर थे और ना ही कोई लाशें, और इसी वजह से वो ये चीज समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार कोई भी इंसान जमीन में गोलियां क्यों मारेगा। और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बकी उनसे कहता है, या तो उनका कातिल बहुत ही ज्यादा बेवकूफ था या फिर वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था। और ये कहने के बाद बकी अपने पास मौजूद कैमरे को हवा में उछाल देता है, और थोड़ी ऊपर जाने के बाद वो कैमरा उन्हें पूरे प्लैनेट की फुटेज दिखाता है, और तब उन्हें ये चीज समझ में आती है कि उस प्लैनेट पर कोई लाश क्यों नहीं थी, क्योंकि वो पूरा का पूरा प्लैनेट ही एक लाश था। उस फुटेज को देखने के बाद बकी उन्हें बताता है कि दरअसल में जिस प्लैनेट पर वो खड़े थे वो प्लैनेट ईगो की तरह एक लिविंग प्लैनेट था, और किसी ने उन्हीं गामा बुलेट्स का यूज करके उस प्लैनेट को मार दिया था। तो अब सवाल ये था कि उनमें से कौन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना ज्यादा स्किल्ड था कि एक पूरे के पूरे लिविंग प्लैनेट को मार सके। और ये कहने के बाद वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनके प्लेन से उन्हें एक सिग्नल मिलता है, और इससे पहले कि गमोरा और मून नाइट रिएक्ट कर पाते उनका शिप उनकी आंखों के सामने ब्लास्ट हो जाता है। वो दोनों ही पलटकर बकी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बकी वहां से गायब हो चुका था। और ये देखने के बाद गमोरा मून नाइट से कहती है कि उन्हें अपना पहला सस्पेक्ट मिल चुका है, और इतने समय से वो उनकी आंखों के सामने ही था। इधर अर्थ पे वुल्वरीन निक फ्यूरी को कॉल करता है और उससे वहां पर आने के लिए कहता है, क्योंकि मिस्टर रॉब निक फ्यूरी के अलावा और किसी से बात नहीं करने वाला था। और वुल्वरीन का कॉल रखने के बाद निक फ्यूरी ये चीज सोचने लगता है कि मिस्टर ऑब के पास से उन्हें वॉचर की एक ही आंख मिली थी, और वो सब ये चीज बहुत अच्छे से जानते थे कि वॉचर की दरअसल में दो आंखें थी। तो अब सवाल ये था कि वॉचर की दूसरी आंख आखिरकार किसके पास थी। लेकिन तभी निक फ्यूरी के पीछे से एक पोर्टल खुलता है, और वो पलटकर देखता है कि उसमें से विंटर सोल्जर यानी कि बकी आया था। निक फ्यूरी उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार बकी वहां पर क्या कर रहा था, लेकिन तभी बकी अपनी गन को निकालकर उसे शूट कर देता है। निक फ्यूरी उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार बकी ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन बकी बांस उससे कहता है कि अब वो उससे कहीं छुप नहीं सकता और ना ही वो कहीं भाग सकता है, क्योंकि अब इस चीज का वक्त आ चुका था कि उसे अपने पापों की सजा मिले। और ये कहते साथ ही वो निक फ्यूरी की गर्दन को काट देता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, और प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मैं रेगुलरली डीसी और मार्वल की न्यूज को अपडेट करता हूं, और इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मैं इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा, तब तक प्लीज आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि आप सभी को ओरिजिनल सिन कैसी लगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।